जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहित काहे न होहि दुखारी। एही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वचाय विश्रामा। अर्थात जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, यही विधि जनक सुता तहां रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी जहां जान की माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थीं, वो सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयो पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कहकर सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मशक रूप धरकर वहां गए, जहां अशोक वन में, वन के जिस भाग में सीता जी रहती थीं। जात निस जामा, रस तनु शीश जटा एक बेनी, जगपित दय रघुपति गुण सेनी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं, शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी लट है, हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भाव पवन सुत, देख जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए।